कई लोग तो पीला शालिग्राम बुखरा शालिग्राम सब कुछ एकत्रित करके अपने घर में रखते हैं, अपने जो तुलसी क्यारा है उसमें रखते हैं। पीला शालिग्राम की पूजा कोई ग्रस्त नहीं कर पाते, और अगर पीले शालिग्राम की जो पूजा करते हैं उसके घर पर दरिद्रता दौड़ कर आती है। खंडित हुए शालिग्राम की जो पूजा करते हैं उसके घर पर दरिद्रता दौड़ कर आती है। भुखरे रंग के शालिग्राम की पूजा करते हैं उसके घर पर दुख दौड़ कर आता है। इसलिए सावधान, देवी पुराण में बताया है अगर जो शालिग्राम की पूजा करनी है तो काले रंग का शालिग्राम जो गंडकी नदी में से उत्पन्न हुआ है। कई कई लोग तो खेत में जो पत्थर मिलता है ना वो भी रख देते हैं, कई कई लोग तो नर्मदा में जो यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ अच्छा पत्थर मिल जाता है तो वो भी रख देते हैं। नर्मदा में जाओ तो जो पत्थर है वो पत्थर हर कंकण हर शंकर होता है। वो शंकर की पूजा तुलसी क्यारे में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नर्मदा में जो स्थित है ना सब पत्थर है, वो शिव का स्वरूप है।